हेलो स्टूडेंट्स, तो अभ्यास सागर का पार्ट 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई। तो हम प्रश्न 11 तक कर चुके थे, है ना? और आशा है आपने प्रश्न 11 तक सभी उत्तर आपने कर लिए होंगे। तो आज हम अगले नए प्रश्न यानी 12 प्रश्न से हम करना शुरू करेंगे। तो 12वां प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए और उनका भेद लिखिए। तो देखिए, अब घेरा तो हम तब लगाएंगे जब हमें पता हो कि क्रिया विशेषण शब्द कौन से हैं, ठीक है? और शब्द यदि पता चल गए तो क्रिया विशेषण के भेद भी पूरे पता होने चाहिए। तो आइए पहले जान लें कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं, ठीक है? पहला रीतिवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है? दूसरा हम कह रहे हैं कालवाचक या समयवाचक। आप दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, एक ही बात है, काल मतलब भी समय ही होता है। तो कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये 4 क्रिया विशेषण, ठीक है? तो ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। तो रीतिवाचक में हम क्या देखते हैं, किस तरीके से काम किया गया है, है ना? जो तरीका है उसको हम कहते हैं रीतिवाचक, ठीक है? कालवाचक और समयवाचक में हमें समय की जानकारी मिलती है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो कल हम समय की जानकारी देंगे कि कल, ठीक है? आज हमारे घर मेहमान आए हैं, आज, यानी हम समय की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है? तो आज, कल, परसों, इसी समय, अभी, तो ये समय की जानकारी है। तो यहाँ पर हम समयवाचक लिखेंगे। और उसके बाद हमने बताया तीसरा जो है स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होता है, स्थान की जानकारी, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ठीक है? तो ये सब स्थानवाचक है ना? वो सामान ऊपर रखा है तो ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण की जानकारी देता है। और चौथा हमने बताया परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक नाप और तोल की चीज़ें होती हैं, ठीक है? मुझे थोड़ा सा पानी देना, तो थोड़ा सा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये है, थोड़ा सा है परिमाणवाचक, ठीक है? मैं तो कम खाना खाती हूँ, तो कम यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो पहला आप देखेंगे, पहला तो किया हुआ है ना, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे पर घेरा लगा दिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है? अगला आप देखेंगे, गुरुजी अभी आए हैं, ध्यान आया कुछ, गुरुजी अभी आए हैं, तो किस चीज की जानकारी दे रही है? तो अभी क्या है, ये समय की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर समयवाचक या कालवाचक आप लिखेंगे, समयवाचक या कालवाचक कुछ भी लिख सकते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है? गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण, यहाँ पर घेरा कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर आएगा आपका अचानक। तो अचानक भी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है? अगला आप देखेंगे, मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ, तो जितना उतना, तो ये कौन सा आ गया हमारा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वकील ने मुझे शीघ्र ही वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलवा लिया, तो शीघ्र, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शीघ्र। अब ये शीघ्र आया तो ये कौन सा उत्तर होगा, जल्दी से सोचकर बताएं, शीघ्र ही बुलवा लिया, किसकी जानकारी दे रहा है ये, समय की, है ना, या कालवाचक की दे रहा है जानकारी,
ठीक है, तो यहाँ पर वही आप क्रिया विशेषण लिख देंगे। अच्छा नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी कि बिंदु अथवा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, आनंद पहुँचेंगे, आठवीं, आंधी, आँखें, चौका। ठीक है, तो चौका की जगह क्या है, चौंका। तो यहाँ पर देखिए आप प्रश्न 12 देखिए, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अभी कालवाचक, काल या समयवाचक क्रिया विशेषण, अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जितना उतना, ये घेरा लगाना है आपने, ये जो शब्द है वहाँ पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, शीघ्र, फिर आपका आ गया काल या समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये प्रश्न 12 के उत्तर हो गए। अब प्रश्न 13 में देखिए, आनंद, आनंद में क्या लगा है, क्या लगा है, अनुस्वार, आंधी, अनुनासिक। सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाएं, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। पहुँचेंगे, यहाँ पर अनुनासिक लगा है। आँखें, यहाँ पर अनुनासिक और अनुस्वार दोनों का प्रयोग हुआ है। आठवीं, तो यहाँ पर केवल अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। चौंका, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रश्न 13 के उत्तर। तो आपने सही जगह पर बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, साथ ही साथ क्रिया विशेषण के सारे भेदों को आपने याद रखना है, और ये आपके सामने उत्तर हैं। आप ध्यान से इसको अभी पेंसिल से, अब बैठकर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी लिख लेंगे तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। कल हम प्रश्न 14 करेंगे, तो अपनी पेंसिल के साथ आप तैयार रहें और अभ्यास पुस्तिका सामने रखें, ताकि साथ के साथ ही आप पत्र भी उतार लें। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।